आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। देश भर में सीमा हैदर को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आ गई। वहीं राजस्थान के अलवर जिले से भी ऐसा ही हैरान करने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां अलवर जिले के भिवाड़ी इलाके की एक लड़की को लेकर सूचना मिल रही है कि वो राजस्थान से पाकिस्तान चली गई है। अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंची है। बताया जा रहा है कि अंजू मूल रूप से यूपी की निवासी है। उसके फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह ने उसे इनवाइट किया था। नसरुल्लाह पहले एक स्कूल में टीचर था और अब वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। तो अभी सीमा हैदर को लेकर विवाद चल ही रहा था, लगातार सीमा हैदर को लेकर जांच की जा रही है। तो वहीं एक और मामले का खुलासा हुआ है, अंजू को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। अंतर सीमा और अंजू में सिर्फ इतना है कि सीमा ने अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत तक का सफर तय किया, तो वहीं अंजू राजस्थान से पाकिस्तान पहुंची है। हालांकि जब पुलिस ने पूछताछ की अंजू के पति से तो उसके पति ने कहा है कि अंजू वापस आ जाएगी, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। न्यूज 18 ने इसे लेकर सबसे बड़ा पड़ताल किया। अलवर में अंजू के घर न्यूज 18 की टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के अलवर की अंजू रहने वाली है, जो अपना पासपोर्ट बनवाकर पाकिस्तान पहुंची है। हालांकि सीमा और अंजू में अंतर यह भी है कि सीमा इलीगल तरीके से भारत में आई थी, लेकिन अंजू बकायदा पासपोर्ट बनवाकर पाकिस्तान में घुसी हुई है। और सीमा के पति का बयान लगातार सामने आ रहा है, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा पति ने। यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? पहले पीवाईटी में रहता था सर, रोलिंग प्लांट। मैडम ने कहा था जॉब की? भिवाड़ी में जे मार्क में किया। क्या काम करा? जे मार्क ऑफिस में ही काम किया। उससे पहले कैपिटल मॉल और ये अपना क्या एक ऑफिस था, गेस्ट हाउस, वहाँ भी काम किया। बच्चे कौन से स्कूल पढ़ते हैं? बच्चे एक तो राव में है, एक सन ओमिक्स में। अरविंद जी, अब आपको जानकारी मिल गई है जो जानकारी प्रशासन के पास है या हमारे पास है, तो अब क्या पैरवी करेंगे आप, क्या तैयारी आपकी है बताएं? मैं तो सर बुलाने की तैयारी हूँ। बुलाने की तैयारी? हाँ सर। अभी तो बात हुई है तो क्या कह रही हूँ? मेरे से तो बात नहीं हुई, मेरे एक साली है, बोली उससे बात कर लेना। मैंने उसको फोन मिला, कह रही वो दो तीन दिन के घूमने आ जाएगी जी। तो आपको पूरा भरोसा है कि वो आ जाएंगे? किस रास्ते से पहुंची है ये नहीं पता, किस रास्ते से गई है सर। आपको भरोसा है आ जाएंगे? आ जाएगी सर। 15,000 की जॉब करते हो? हाँ सर। तो पासपोर्ट बनवाने का क्या सोचा आपने, अचानक से ख्याल? आपने बनवाया पासपोर्ट या उसने? मैडम ने बनवाई थी, कह रही पासपोर्ट बनवाना है। क्यों, आपने पूछा नहीं उसने? वो बाहर बाहर जॉब के लिए कह रही। बाहर कहाँ पे? विदेशों में जाने के लिए जॉब चाहिए। तो कहाँ कहाँ पे अप्लाई किए पहले? अभी तो अप्लाई नहीं की थी। नहीं, पहले आपके नॉलेज में कहीं पे अप्लाई किया हो, जैसे दुबई वगैरह कहीं पे अप्लाई किया? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं। तो के पति को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा है कि अंजू वापस आ जाएगी। और ये भी बताया अंजू के पति ने कि बकायदा पासपोर्ट अंजू ने बनवाया था, ये कहकर कि वो बाहर जॉब करेगी, विदेशों में जॉब करना चाहती है। हेलो। हाँ नहीं ना? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ दिया नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आने का भी कोई टाइम मत करना, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अच्छा, फ्रेंड के पास? अच्छा, फैमिली है यहाँ पे, अच्छा। मीडिया में क्या चल रहा है? तो अंजू की बातें आपने सुनी। अंजू अपने पति से बातचीत कर रही थी जहां वो कह रही थी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो वापस आ जाएगी। और इसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर जिक्र किया जा रहा था। अंजू कह रही थी कि वो डॉक्यूमेंट्स किसी को मत देना, नहीं तो मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अलवर से सहयोगी राजेंद्र इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, एक और बड़ा खुलासा, और सीमा हैदर के बाद अब
अंजू, क्या कहानी है अंजू की? बात कहकर पति अरविंद और उसका भाई डेविड जो यहाँ भिवाड़ी में रहते हैं, परिवार के साथ दोनों ही परिवार रहते हैं, और जब ये यहाँ से गई थी तो घूमने के लिए गई थी, किसी को कानो कान ये खबर नहीं थी कि अंजू पाकिस्तान चली जाएगी। लेकिन अब जब खबरें आई हैं, अंजू से बात हुई थी इनकी, तो अंजू ने कहा कि वो लाहौर है और अगले कुछ दिनों में आने वाली है। इसकी बात उसके पति से मौजूद हुई है, उसके भाई से मौजूद हुई है, और अंजू की जो बहन है उससे भी उसे लगातार संपर्क में है। कल जो बात हुई है उसमें अंजू के पति से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो जल्द आने वाली है और आकर के पूरे मामले पर बात करेंगी। लेकिन जिस तरीके से जो मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आ रही हैं, उनके और यहाँ की बातों को लेकर अपन उसके पति मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे बात करता हूँ। अरविंद जी, कल जब ये घटनाक्रम सामने आया तो कैसे पता चला कि ये सब हुआ? जी, कल मेरे पास शाम को फोन आया था, फोन आया था, ठीक है, बता रही हूँ रियल में कहा हूँ, बताई मैं हूँ लाहौर, ठीक है, बोले वहाँ कैसे चली गई, फिर ये बता रही है, सबको बता दिया, रिश्तेदार को सबको बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक घंटे बाद फिर मैंने बात किया, फोन किया मिलाना, बात हुई, मैंने बोला पासपोर्ट लेके गई क्या साथ में, फिर हाँ तो अंजू के पति को आप सुन रहे हैं, राजेंद्र हमारे सहयोगी सीधे उनके साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को जरा एक बार फिर से बता देते हैं कि आखिर अंजू कौन है। तो अंजू अलवर की रहने वाली है, दो बच्चे अंजू के, एक पति भी है, लेकिन अभी फिलहाल अंजू पाकिस्तान में है और इसीलिए चर्चाओं में भी है, क्योंकि अलवर के जो उसके घर है वहां पर पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची और इसके बाद पति से पूछताछ की गई। इस दौरान पति ने कहा है कि अंजू वापस आ जाएगी, लेकिन अंजू ने जब पति के साथ फोन पर बातचीत की तो कई चीजें गौर करने वाली थी। उसमें सबसे पहली बात तो ये रही कि अंजू कह रही है कि डॉक्यूमेंट्स किसी को मत दिखाना, मत देना, वरना दिक्कत हो सकती है। पासपोर्ट में उत्तर प्रदेश का एड्रेस लिखा हुआ है, जबकि अंजू अलवर की रहने वाली है। अंजू अपने घर पे कुछ भी ठीक से बताकर नहीं गई थी और पासपोर्ट भी अंजू ने ये बताकर बनवाया था कि वो बाहर जॉब करना चाहती है, लेकिन फिलहाल खबर ये है कि वो अपने दोस्त से मिलने गई है। राजेंद्र, अंजू के पति से ये सवाल करिए कि क्या वो बताकर गई थी, वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, क्या मकसद इसके पीछे, और ये भी पूछिएगा कि पासपोर्ट में यूपी का एड्रेस लिखा हुआ, यूपी से क्या कनेक्शन है। राजेंद्र, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही, कोशिश करिए पहले आवाज क्लियर आए, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाज ठीक तरीके से आ सके, जिससे कि हम बेहतर तरीके से समझ सके कि दोनों के बीच क्या बातचीत चल रही है, पति क्या कुछ बता रहे हैं। लेकिन अब ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है, पहले सीमा हैदर को लेकर लगातार विवाद और अब अंजू का नया नाम सामने आया है जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, कालवान गांव में पानी की टंकी पर चढ़े तीन युवक पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से गांव में पानी की समस्या है, जिसके चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जलदाय विभाग के द्वारा पानी की टंकी